नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 18.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नीचे आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन के ठीक बीच में आप जीरो लिखेंगे। जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ऐसे आपको एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखिए, ए पोर्शन में दिया है -3। -3 जीरो के लेफ्ट साइड में होता है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे। ये आपका -3 है और इस -3 पे आप इस तरीके से एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये -3 हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट बी पोर्शन, जीरो। जीरो नंबर लाइन के ठीक बीच में है, तो ये आपका जीरो है, तो इस पे आप ऐसे सर्कल बना देंगे। ठीक है, सी पोर्शन सेवन। सेवन जीरो के राइट साइड में है, तो ये आपका सेवन हो गया, तो सेवन पे आप ऐसे सर्कल बना देंगे। डी पोर्शन में दिया है -1। -1 जीरो के ठीक लेफ्ट साइड में होगा, तो ये आपका -1 है, तो इस पे भी आप ऐसे सर्कल बना देंगे। नेक्स्ट ई पोर्शन थ्री। थ्री जीरो के राइट साइड में होता है, तो ये आपका थ्री हो गया, इस पे भी आप ऐसे सर्कल बनाएंगे। लास्ट एफ पोर्शन -5। -5 जीरो के लेफ्ट साइड में होगा, तो ये आपका -5 है, तो इस पे आप ऐसे सर्कल बना देंगे। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा फॉर द फ्लोइंग कोऑर्डिनेट्स। नीचे आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, इनमें हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को लिखना है। ठीक है, ए पोर्शन 1, -2। देखो, 1 है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और -2 आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो 1 तो हो गया आपका एब्सिसा और -2 हो गया आपका ऑर्डिनेट। तो ये मैंने टेबल बना रखी है, एक साइड एब्सिसा लिख रखा है, दूसरी साइड मैंने ऑर्डिनेट लिख रखा है। तो ए पोर्शन में 1 तो है आपका एब्सिसा और -2 है ऑर्डिनेट। ठीक है, बी पोर्शन 6, -3। 6 हो गया आपका एब्सिसा और -3 हो गया आपका ऑर्डिनेट। सी पोर्शन -10, -3, 10। -3 है वो आपका अबसिसा है, 10 आपका ऑर्डिनेट। डी पोर्शन में दिया है 7, 0। 7 हो गया अबसिसा, 0 हो गया आपका ऑर्डिनेट। ई पोर्शन 3, -5। 3 है वो आपका अबसिसा है, -5 ऑर्डिनेट। लास्ट एफ पोर्शन -5, -2। -5 आपका एब्सिसा, -2 आपका ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन में बोला है प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर। नीचे आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। ए पोर्शन -1, 6। देखिए, -1 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और 6 है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो 0 के लेफ्ट साइड में चलेंगे। 0 के लेफ्ट साइड में ये -1 है और y है आपका 6, तो इसके ऊपर चल रहा है आपको ठीक 6 यूनिट, ये रहा आपका 6। तो इस पे आप ऐसे डॉट कर देंगे और यहां लिख देंगे आप -1, 6। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। बी पोर्शन में दिया है 7, -2। x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव 0 के राइट साइड में होगा, तो ये तो हो गया आपका 7 और -2 इसके नीचे चलेंगे। ठीक है, ये आपका -2, या इस पे ऐसे डॉट कर देंगे और यहां लिख देंगे आप 7, -2। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन -4, -4। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो x नेगेटिव 0 के लेफ्ट साइड में होगा, ये रहा -4, ठीक इसके नीचे चलेंगे -4 डिस्टेंस पे। देखो, ये रहा आपका -4, यहाँ आप डॉट लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे -4, -4। ठीक है,
नेक्स्ट डी पोर्शन, 3, -2, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव 0 के राइट साइड में ये 3 हो गया और नीचे की साइड चलेंगे -2 यूनिट पर, ये रहा। ठीक है, ये आपका हो गया 3, -2। ओके, नेक्स्ट 0, 0। अब देखिए 0, 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, वो पॉइंट आपका 0, 0 होगा, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये देखो, ये आपका पॉइंट ओरिजिन हो गया, यहां आप लिख देंगे 0, 0। ठीक है, लास्ट पोर्शन एफ, -3, 5, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव 0 के लेफ्ट साइड में, ये आपका हो गया -3, वाई पॉजिटिव है तो आप ऊपर की साइड चलेंगे -3 के ऊपर। ठीक, ये आपका हो गया पॉइंट, यहां लिख देंगे -3, 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स वेयर द फ्लोइंग पॉइंट्स लाई, नीचे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड करते हैं। ये वाला आपका होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, और नीचे हो जाएगा आपका थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, अब इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में दिया 3, 5, देखो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ठीक है ना, तो पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करता है, चलिए इसको ग्राफ में भी प्लॉट कर देता हूं। 3, 5, ये आपका 3 हो गया, 5 अपन ऊपर की साइड चलेंगे। ठीक है, ये प्लॉट भी कर देते हैं अपन, 3, 5। ठीक है स्टूडेंट, बी पोर्शन -4, -6, दोनों ही नेगेटिव हैं, इसका मतलब ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो ये -4 हो गया, नीचे की साइड -6 ले लेंगे, ये आपका -6 हो गया, इसको बी नाम दिया है -4, -6। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट सी पोर्शन -5, +1, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो देखो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव किस कोऑर्डिनेट में होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है, तो आपका सी पोर्शन सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, इसको प्लॉट भी करते हैं, ये माइनस का 5 हो गया और प्लस का 1। ठीक है, ये आपका एल पॉइंट है -5, +1। डी पोर्शन -4, -3, -4 0 की लेफ्ट साइड में और +3, इसके ऊपर चलो +3, ये पॉइंट है आपका एन। ठीक है, -4, +3, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। ई पोर्शन 7, -4, एक्स पॉजिटिव है, ये आपका 7 हो गया और -4 नीचे की साइड, ये आपका -4 ये हो गया, तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ये पी पॉइंट है 7, -4। लास्ट पोर्शन एफ को लेते हैं, 2, -9, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो देखो एक्स पॉजिटिव ये आपका 2 है और नीचे की साइड चलेंगे 9, ये रहा, तो ये हो गया आपका 2, -9, और ये पॉइंट आपको दे रखा है क्यू, आप देख सकते हैं ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो, नीचे आपको ये ग्राफ दे रखा है, हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले हम पी पॉइंट की बात कर लेते हैं, देखो पी पॉइंट आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो एक्स के अलोंग देखो कितनी डिस्टेंस चले हम 3 यूनिट, और इसके ठीक ऊपर चलेंगे 4 यूनिट, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
थ्री कोमा आपका फोर। नेक्स्ट क्यू पॉइंट को देख लेते हैं, एक्स के अलोंग 5 यूनिट और वाई के अलोंग -3 यूनिट, यानी कि क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे 5, -3। ठीक है, नेक्स्ट क्यू के बाद आपका आर। आर देखो, एक्स के अलोंग -6 यूनिट, नीचे की साइड आपकी -5, तो आर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, -5। ठीक है, अब एस की बात कर लेते हैं। देखो, एक्स के अलोंग हम -4 यूनिट डिस्टेंस से, एक्स पे देखो वाई जीरो होता है, ये एक्स पे पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है आपका, जीरो होता है, तो एस के कोऑर्डिनेट होंगे 4, 0। ठीक है श्रीन, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला है, प्लॉट द गिवन पॉइंट्स ऑन ए कार्टेशियन प्लेन। नीचे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको हमें कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, पहला पॉइंट 3, 0, x3 है, y0 है, जहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है स्टूडेंट, वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, तो ये आपका पॉइंट x एक्सिस पे होगा 3, 0। सेकेंड पॉइंट दिया है -5, 0, ये भी आपका x एक्सिस पे होगा लेकिन 0 के लेफ्ट साइड में होगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका -5, 0। नेक्स्ट पॉइंट दिया है 6, 0, ये भी आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ये आपका 6 हो गया और 0। ठीक है, लास्ट पॉइंट दिया -9, 0, ये भी आपका एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि वाई 0 है, तो ये हो गया आपका -9, 0। ठीक है, अब बी पोर्शन में क्या बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। हमने ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी पॉइंट्स है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, तो आप लिख देंगे ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। टुडे स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।